हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल द होम किचन। आज हम बनाएंगे मालपुए। राजस्थान में मालपुए स्पेशली हरियाली अमावस पे बनाए जाते हैं। वैसे तो आप मालपुए कभी भी बना सकते हैं, जैसे कि होली, दिवाली या किसी भी फेस्टिवल पर। इट्स वेरी सिंपल एंड डिलीशियस इंडियन स्वीट डिश रेसिपी। वैसे तो आप मालपुए बहुत तरीके से बना सकते हैं, बट आज मैं बनाने वाली हूँ रबड़ी मालपुए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट बिगिन विद द रेसिपी। रबड़ी मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। इट्स बेटर कि आप फुल फैट या फिर फुल क्रीम मिल्क यूज़ करें, बिकॉज मिल्क को हम काफ़ी देर पकाएंगे तभी उसकी रबड़ी बनेगी, और अगर दूध पतला होगा तो उसे पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, दूध में बॉईल आ गया है, अब हम इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाएंगे, और दूध को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधे से भी कम नहीं हो जाता। दूध को ऑलमोस्ट कंटिन्यू हिलाते रहें, नहीं तो दूध पैन में नीचे लग जाएगा और उसका जला हुआ टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी दूध को बॉईल होते होते 15 मिनट हुए हैं और दूध थोड़ा बहुत कम हो गया है, थोड़ा थिक भी हो गया है। आप बीच बीच में इसके साइड से जो मलाई जम रही है उसे स्क्रेप करते रहें। अभी हम दूध को और कंटिन्यू बॉईल करते रहेंगे, और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि दूध लगभग आधा हो गया है। हमें दूध को कंटिन्यू हिलाते रहना है, नहीं तो वो पैन में चिपक जाएगा। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, पहले से बहुत ज्यादा थिक हो गई है, और जो मलाई साइड में जम रही थी उसे भी मैं कंटिन्यू स्क्रेप कर रही हूँ, तो उससे हमारी रबड़ी काफी लच्छेदार बनेगी। सो फ्रेंड्स, अब दूध को बॉईल होते होते लगभग 40 मिनट्स हो गए हैं, और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, ऑलमोस्ट 1/3 मिल्क बच गया है। और इसे हम साइड से अच्छे से स्क्रेप कर लेंगे ताकि जो भी मलाई है वो मिल्क के साथ में मिक्स हो जाएगी और हमारी रबड़ी एकदम लच्छेदार बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है और रबड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मालपुए के लिए जो हमें रबड़ी चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी बस इतनी ही थिक होनी चाहिए, बिकॉज ये ठंडा होने के बाद में और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। और जो मालपुए का जो हम बैटर बनाएंगे तो उसके लिए रबड़ी जो हम यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा थिक यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज होगा क्या, अगर हम रबड़ी को ज़्यादा थिक कर लेंगे तो बैटर बनाते टाइम जब हम मैदा इसमें ऐड करेंगे तो बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, और उसे लिक्विड करने के लिए फिर हमें दूध डालना पड़ेगा। तो दूध डालने से जो रबड़ी की कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर है, फ्लेवर है, वो सब खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रबड़ी तैयार है, चलिए गैस बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैं एक बोल ले रही हूँ, और जो अभी हमने रबड़ी बनाई थी उसे हम इस बोल में खाली कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें से थोड़ी सी रबड़ी मैं अलग से रख रही हूँ जिसे मैं बाद में यूज करूंगी, और अभी हम इस रबड़ी को ठंडा होने देंगे टिल इट कम्स टू द रूम टेम्परेचर। और जब तक रबड़ी ठंडी हो रही है चलिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और मैं ले रही हूँ 1 कप शुगर और 1 कप इसमें पानी डाल देंगे। शुगर को हम अच्छे से पानी में डिसॉल्व होने देंगे। तो फ्रेंड्स, शुगर पानी में डिसॉल्व हो गई है, एंड एज यू कैन सी थोड़ी देर में इसमें बॉईल भी आ गया है। अब मैं पैन में ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर एंड अ पिंच ऑफ सैफ्रॉन थ्रेड्स। केसर डालने से इसका कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी। तो बस अब हम थोड़ी ही देर और शुगर शरब को बॉईल करेंगे, और मालपुए के लिए हमको चाशनी जो बनानी है वो कोई एक तार दो तार की नहीं बनानी है। आप इसको हाथ से चेक करके देख सकते हैं, जब आपको ये थोड़ी सी थिक एंड चिपचिपी लगेगी बस उतना ही हम इसे बॉईल करेंगे, इसमें हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है।
तो फ्रेंड्स चाशनी हो गई है रेडी और अब हम बनाएंगे बैटर मालपुए के लिए। तो फ्रेंड्स रबड़ी अच्छे से ठंडी हो गई है, रूम टेम्परेचर पर आ गई है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से ज़्यादा थिक भी हो गई है और काफ़ी लच्छेदार रबड़ी बनी है। वैसे मालपुए के लिए हमें लच्छेदार रबड़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं या फिर आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मैं लच्छेदार रबड़ी को ऐसे ही रहने दे रही हूँ। बैटर बनाने के लिए मैंने अभी 1 कप मैदा लिया है जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके रबड़ी में ऐड करेंगे। एक साथ सारा डाल देने से उसमें लम्स भी आ जाएंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और उसे विस्क से या किसी भी स्पून या फोक से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालिए और बैटर बना लें। मालपुए के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 लीटर दूध में 1 कप मैदा या आधा कप मैदा यूज़ आएगा, आपकी रबड़ी की कंसिस्टेंसी क्या है उस हिसाब से आप मैदा ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बैटर रेडी हो गया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है और मैंने इसमें ऑलमोस्ट 3/4 कप मैदा यूज़ किया है और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, थिक है बट फ्लोइंग है। तो इसी कंसिस्टेंसी का बैटर आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए जितना मैदा आपको यूज़ आता है उतना आप ऐड करेंगे। तो मालपुए के लिए बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो गया है और ये इसमें जो दाने दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी लम्स नहीं है, दैट इज़ द लच्छा इन रबड़ी। और अब हम बैटर को 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो चलिए तब तक हम मालपुए तलने के लिए घी गरम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, आपको भी इसी तरीके का चौड़ा फ्राइंग पैन यूज़ करना है और इसमें मैंने घी डाल दिया है और आप देख सकते हैं आपको इतना घी ज़रूर फिल करना है तभी आप इजीली मालपुए तल पाएंगे। तो फ्रेंड्स गरम घी में एक स्पून की हेल्प से हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। इस बैटर को आपको बिल्कुल भी स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही पैन में स्प्रेड हो जाएगा। जिस भी साइज़ का मालपुआ आप बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी का आप बैटर पैन में डाल सकते हैं और थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं कि हमारा जो मालपुआ है जैसे ही वो एक तरफ से सिक जाएगा वो अपने आप ही तल के ऊपर आ जाएगा। और अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। सो एज यू कैन सी मालपुआ अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम घी से निकाल लेंगे और तुरंत इसे हम चाशनी में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स आई मस्ट से कि आप मालपुए घी में ही बनाएं, इसके लिए बिल्कुल भी ऑयल का यूज ना करें बिकॉज घी में बनी हुई स्वीट्स का टेस्ट बहुत ही अलग और अच्छा लगता है। सिमिलरली हम और भी मालपुए तल लेंगे, आप एक साथ में एक से ज़्यादा भी मालपुए तल सकते हैं। बैटर को घी में डालते ही हम उसे तुरंत नहीं छेड़ेंगे, जब आपको लगता है कि आपके जो मालपुए हैं थोड़े पक गए हैं और तल के वो ऊपर आ गए हैं तभी आप उसे हिलाएं, और अगर वो चिपक भी गए हैं तो आप उसके बाद में आप उसे अलग कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मालपुए तलने के लिए जो सबसे पहले हम घी गरम करेंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, लगभग मीडियम हॉट घी में हम मालपुए फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स मालपुए एक तरफ से सिक गए हैं तो मैं इन्हें पलट रही हूँ और फिर हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे। तो फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि घी की क्वांटिटी हमें मिनिमम इतनी ज़रूर लेनी है कि मालपुए उसमें इजीली तल पाएँ, पर इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मालपुए कढ़ाई में बनाएंगे यानी खूब सारा घी डाल के। इसके लिए हमें बहुत कम ही घी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत सारा घी लेना है, बस इतना ज़रूर लेना है कि वो इजीली घी में तल पाएँ। और इसके लिए बेटर होगा आप एक फ्लैट बॉटम वाला फ्राइंग पैन ही यूज़ करें। सो फ्रेंड्स मालपुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इसे घी से निकाल लेंगे। आप भी इस तरीके से स्पून पे निकाल सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाएगा और गरम गरम मालपुए को हम तुरंत चाशनी में डाल देंगे ताकि मालपुए चाशनी में अच्छे से सोख हो जाएं। तो 1 लीटर दूध और इतने क्वांटिटी की बैटर से आप लगभग 8 से 10 मालपुए बना सकते हैं अगर आप भी इसी साइज के मालपुए बना रहे हैं तो, और अगर आप और भी छोटे छोटे मालपुए बनाएंगे तो आप 12-15 मालपुए भी आसानी से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने सारे मालपुए बना लिए हैं, नाउ इट्स टाइम टू सर्व। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले लिया है जिसमें मैं मालपुए रख रही हूँ चाशनी में डूबे हुए, और इसके बाद मैं ऊपर से डाल रही हूँ सम चॉप पिस्टैचूज। आप चाहें तो ऊपर से और चाशनी भी डाल सकते हैं, थोड़े से चॉप किए हुए बादाम भी डाल देंगे,
और इसे मैं गार्निश कर रही हूँ विद सम सिल्वर फॉइल यानी बरक लगाकर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और इसी से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है, तभी तो मैं आपके लिए और भी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो राजस्थान के फेमस रबड़ी मालपुए तैयार है। अब मैं यहाँ पर एक और प्लेट ले रही हूँ कुछ डिफरेंट स्टाइल में से सर्व करने के लिए, और प्लेट में मैं रख रही हूँ मालपुए एक के ऊपर एक स्टैक करते हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मालपुए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और अब इन मालपुए के ऊपर मैं डालने वाली हूँ रबड़ी, जिसमें मैंने केसर और शक्कर मिला दी है, जिससे इसका कलर येलो भी हो गया है और ये स्वीट भी हो गई है। तो ये वही रबड़ी है जो हमने रबड़ी बनाई थी, उसमें से मैंने थोड़ा सा रख लिया था। रबड़ी के ऊपर मैं डाल रही हूँ सम चॉप पिस्टैचियोस और थोड़े से बादाम, और इसे भी मैं गार्निश कर रही हूँ बरक से यानी कि सिल्वर फॉइल लगाकर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करें और इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। ऑल्सो आप अपने कॉमेंट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो फ्रेंड्स, हमारे रबड़ी वाले मालपुए तैयार हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करें। इतने टेस्टी मालपुए बनते हैं कि सभी को मज़ा आ जाएगा। आप मालपुए कभी भी बना सकते हैं, कोई गेस्ट आने वाले हो या आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो या किसी भी फेस्टिवल पर लाइक होली दिवाली। सो एंजॉय मालपुआ एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन गुड बाय।